नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाह न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे मुकेश महफिल जी हैं, जिनका निधि आर फिल्म से देवी गीत जो है बहुत प्यारे प्यारे आने वाले हैं। मेहमान के तौर पे आज हैं, तो चलिए इनसे जोड़ते हैं, पूछते हैं कौन कौन से गाने लेकर आ रहे हैं और साथ ही निधि आर फिल्म पर और क्या क्या धमाल और धमाका करने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है, कैसे हैं जी? सबसे पहले मनचाह न्यूज़ देखने वाले श्रोतागण के लिए सबसे पहले मुकेश महफिल का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। और मेरा अभी जस्ट देवी गीत का शूटिंग होने वाले है, उस पर अभी तीन सॉन्ग का शूटिंग होगा देवी गीत का, जो कि निधि आर फिल्म से रिलीज होगा जी। जिनका प्रोड्यूसर पिंटू जी हैं और इस पर म्यूजिक दिए हैं विकास जी जी। हमें बताइए, निधि आर फिल्म से आपके टोटल कितने गाने आ रहे हैं? निधि आर फिल्म से तो अभी देवी गीत के बाद बहुत सारे सॉन्ग आएंगे, लोकगीत, रोमांटिक गीत, एक पर एक सॉन्ग आएंगे जी। जी अभी बहुत मैंने बहुत प्रोजेक्ट कुछ बना हुआ है और बहुत सारे रेडी हो रहे हैं। मान के चलिए कि 20-25 हुआ जाएगा एक डेढ़ महीना के अंदर में जी। जी जी अभी सब मैंने काम हो रहा है। मुकेश जी, कितने सालों से गाने गा रहे हैं आप? जी हमने बहुत छोटे से ही गा रहे हैं। जिस समय कल्लू जी के गाना स्टार्टिंग हुआ था, गवनमा कहिया ले जाएवाना नशा छोरवा की ना, उसी समय से हम मैंने गाना गा रहे हैं। पहला गाना वही बी सीरीज कंपनी जो है रामजी प्रसाद गुप्ता जी के था, तो उसी से हम स्टार्टिंग किए थे। ट्रेन में बक्सर छूट गई, उसमें एक दो गाना बजा था, तो उसके बाद फिर वो घर में गार्जियन थोड़ा सा होता ना सपोर्टिंग नहीं किए, तो बीच में हमको गायकी क्षेत्र में छोड़ना पड़ा। तो फिर इधर 4 साल से रेगुलर काम हो रहा है। अभी किस तरह की तैयारी चल रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से गाने गाने चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज में आपकी पहचान बनेगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काम आगे बढ़ेगा? क्योंकि प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, कंपटीशन जिसको बोलते हैं एक दूसरे के बीच, तो अपने आप को आप कैसे समझते हैं, किस तरह से पार पाना है? जैसे अभी जैसे देवी गीत है, तो देवी गीत में देवी जी का पचरा है, गीत है, तो इसमें तो भाव देवी गीत का ही होना चाहिए अगर देवी गीत का है तो। अगर लोक गीत है, रोमांटिक है, तो रोमांटिक थोड़ा सा मूड होना चाहिए, रोमांटिक सीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को दिक्कत हो मैंने पर्दे में ही, लेकिन कुछ तो रोमांटिक होना चाहिए, क्योंकि रोमांटिक का मतलब ही रोमांटिक होता है, देवी गीत का मतलब ही देवी गीत है। तो उसका तैयारी बहुत मैंने बेहतरीन तरीके से चल रहा है और उम्मीद है कि हमारा गाना बजा भी है। होली में बजा था, रंगलेवा खजानवा बजा था, बी सीरीज कंपनी से बजा था, बहुत सारा वेब कंपनी से आया था, वो अंतरा सिंह के साथ में वो भी बजा था, लेकिन कंटिन्यूस काम नहीं होने के कारण थोड़ा सा मार्केट में उतना नज़र कम मैंने यूट्यूब पर कम दिख रहा है। लेकिन चलिए हमारे दर्शकों को कुछ गाने सुनाइए ताकि उनका जो एक प्यार है वो आपको मिले, उनका अटैचमेंट आपसे बने। कोई गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। जैसे मैं लोकगीत, लोकगीत में जैसे अभी महफिल म्यूजिक वर्ल्ड है, उससे रिलीज हुआ था, अरे गबना करा के डोलिया चढ़ा के ससुरा ले आइला राजा, आ वही दिन रतिया तुरला तू नथिया मार लेला खूबे मजा, कि अभी ले टिस टिस गरे बदनिया, अरे अभी ले भूक भूक करे शरीरिया, और रउआ के नईखे फिक्रिया बहे जब जब पुरवैया, कि दर्द उठे हैया। मैं चाहूँगा कि निधि आर फिल्म पे आपका इससे पहले कोई एक गाना रिलीज हुआ है क्या? जी ये महफिल म्यूजिक वर्ल्ड का सॉन्ग था जो कि निधि आर फिल्म से रिलीज किया गया जी। प्रोड्यूसर को अच्छा लगा तो बोले कि इस गाना को हम रिलीज करें, बोले ठीक है चढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाना निधि आर फिल्म पर भी आया है जी। जी देवी गीतों की कितने गाने हैं जो बहुत जल्द दर्शकों को सुनेंगे? ये आपको एक सप्ताह के आसपास में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, 3-4-5 सॉन्ग हैं जी, जी। अभी जस्ट में तीनों का शूटिंग हो रहा है और एक दो का ऑडियो रेडी है, लगभग रेडी होने ही वाला है, फिर उसका वीडियो किया जाएगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको निधि आर फिल्म दे रही है, अपने साथ प्रोजेक्ट करवा रही है और बहुत सारा आपको मौका दे रही है कि आप आगे बढ़ें, तो क्या क्या कमिटमेंट है आपकी खुद से और निधि आर फिल्म से,
कि मैं बेहतर करूंगा, ज़्यादा बेहतर करूंगा, ताकि कंपनी को भी वो पहचान मिले, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल है वह थोड़ा ऊपर जाए। क्या कमिटमेंट किया है आपने खुद से? मेरा शुरू से ही किसी को कॉपी करने का मुझे आदत नहीं है। भले मार्केट में गाना बजे या ना बजे, हम सबसे हट के देते हैं। कोई भी मेरा सॉन्ग अभी तक उठा के देख लीजिए, ऐसे नहीं कहेंगे। इक्का दुक्का फर्स्ट बार जब स्टार्टिंग था तो कुछ कुछ ट्रैक भी किए हैं, खिसाड़ी भैया का पर भी किए हैं, कुछ कुछ का हुआ है। लेकिन अभी के डेट में हमने जो भी किया है, ऑडियो भी, ये क्या बोलते हैं, देवी गीत है, जो भी है, सब नया नया भाव है, आप देखने को मिलेगा निधि आर्ट फिल्म्स पे, जो भी है सब एकदम न्यू है, सबसे हट के है जी। मेरा लोकगीत भी आता है तो देखिए सबसे हट के है, किसी से कोई, भले अब दर्शक लोग का प्यार है, भले अब देखिए कि हम लोग नया सिंगर हैं, कुछ कुछ जैसे मैं संजीवनी चैनल से मेरा गाना रिलीज हुआ था टेम्पू के मजा जी, तो जैसे ही मार्केट पकड़ना शुरू किया तो मेरा संजीवनी जो कंपनी है उनसे मेरा वीडियो उतार दी। अब हम पूछे हैं तो झूठ मूठ ये स्ट्राइक है, ऐसा स्ट्राइक है, तो ऑडियो में स्ट्राइक नहीं लग रहा, वीडियो में स्ट्राइक लग गया जी। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसा चमचे लोग कि थोड़ा सा पैर खींचना चाहते हैं, लेकिन खींचने दीजिए, उसका काम है खींचना, मेरा काम है करना। अब बाकी सब दर्शक लोग हैं, बाकी माता रानी की कृपा है जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो प्रोजेक्ट आपकी आ रही है, किस तरह से लोग आपको प्यार दे, कैसे आपसे उनका जुड़ाव बढ़े, आपके गानों को बहुत सारा प्यार दे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे मार्केट में किसी का नकल है, उससे में हमको लेना देना नहीं है, अच्छा हो या ख़राब हो, जो भी है हमारे अपने तरफ से बहुत ही अलग टाइप के भाव दिए हैं, अलग टाइप के सुर दिए हैं, और ढंग का देवी गीत जो हकीकत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुलेट पर जी जा हमारा मेला घुमा दे, तब मैया से फ़ोन से बतिया ले, ये सब नहीं, ये सब मैया से मजाक नहीं, क्योंकि देवी गीत है, देवी गीत में देवी जी का कोई मुंह से वो होता नहीं है, भाव दिल में होता है, तो हम जो भी गाया है दिल से गाया है और दिल की बात बताया है, इसमें कोई कार्टून नहीं है, ना कि सुंदर चाहे मेहरारू लंद फंद, किसी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब नहीं, लंद फंद नहीं, मेहरारू चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए तो लाभर चाहिए, ये सब लंद फंद नहीं। माई का जो भाव होता है, एक बेटा जो माई से जो भी है एक उम्मीद रखता है, एक प्रेम होता है, एक भीतर से दिल का एक आवाज़ होता है, आभास होता है, ममता होता है, उसका हमने जाहिर किया है। ऐसा नहीं कि हमको लंद फंड ट्रिकबाजी नहीं, जो दिल का जो होना चाहिए, माँ और बेटे का जो प्रेम होता है, जो आंतरिक भाव होता है, ममता होता है, उसका हमने प्रकट किया। अगर अच्छे एक बार अच्छा से देखिए निधि आर्ट फिल्म्स पर, मुकेश महफिल देवी गीत बहुत सारे आएंगे, और उस पर देखिए, और उसमें मैंने किसी तरह से कोई वारिंग नहीं है, कोई लंद फंद नहीं है। हमको धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और निधि आर्ट फिल्म्स को ट्यून करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं, और निधि आर्ट फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनियां भोजपुरी में आकर स्टैंड करती है तो उन्हें पब्लिक का बहुत प्यार चाहिए होता है, बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, तो उन्हें बहुत सपोर्ट करिए, बहुत प्यार दीजिए, जो भी अपडेट रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, क्या कुछ नया है, क्या हो रहा है। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।